हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिव सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही होना चाहिए। बिकॉज अगर चेंज आप एक्सेप्ट भी करना नहीं चाहते, लेकिन चेंज होकर रहेगा और वो आपकी पॉजिटिव और अच्छी बेहतरी के लिए होगा। बस आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और चेंज हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्स वो चाहती है। आप देख नहीं, आप समझ नहीं सकते इतनी हद से ज़्यादा आपकी लाइफ बदल के रह जाएगी। तो चेंज पॉजिटिव के लिए होगा, ये बात ज़रूर है। तो जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा होगा कि लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, ये रीडिंग है। तो देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। पता नहीं, जितना मैं आप लोगों को जानती हूँ कनेक्ट कर, मतलब कार्ड्स के ज़रिए और एनर्जीज के ज़रिए, तो कहीं ना कहीं एहसास तो है, लेकिन वो एहसास कितना हद तक सही है वो जानने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द आपके चक्रास कहाँ तक है, और उसकी तरफ से मैं जानना चाहूँगी। द कार्ड्स निकाल लेती हूँ। क्रिएशन, एम्पास, परसेप्शन, जॉय, एनलाइटमेंट और ग्रीफ, और बॉटम ऑफ डेक है द प्रेयर्स। तो एनर्जीज मुझे काफ़ी ज़्यादा मिक्स लग रही है। मिक्स इन द सेंस कि जैसे मुझे सोचा था वैसे है कुछ लोगों के केसेस में, जैसे कि ग्रीफ की एनर्जी, दुख दर्द, जो जो लाइफ में तकलीफ है ना, जो भी खोया है, लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, हर चीज़ में जो खोया है ना, उसको जैसे दिल से पकड़ के बैठे हैं। इतना तकलीफ, इतना दर्द आप देख सकते हैं इस इंसान के दिल में। ये ओवरऑल, मतलब प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़ में जो इतना तकलीफ हुई है ना, बस उसको गले से लगा के बैठे, बहुत गले से लगा के बैठे। तो वो चीज़ कुछ लोगों के इसमें है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पे। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेयर्स की एनर्जी है। बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग वो मतलब हर मतलब उनकी ना जैसे कि एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट में जो फील हो रही है, और अपनी स्पिरिट्स के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी वर्थ के ऊपर काम करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एहसास हुआ है कि सब कुछ का सॉल्यूशन एक ही है, सब कुछ का सॉल्यूशन एक ही है। तकलीफ है, सब कुछ है, लेकिन अपनी खुशी, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी जर्नी, हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। परसेप्शन दुनिया का, दुनिया का अपने बारे में, और स्पेशली दुनिया के बारे में जो परसेप्शन है, लोगों को, दुनिया को, सिचुएशंस को देखने का नज़रिया ना बदल रहा है, खास करके पॉजिटिव हो रहा है। यू नो, मतलब आपका भी जो एक स्टेज था ना, मतलब कुछ लोगों के हद तक कितना रिलेट होता है, रिजोनेट होता है पता नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ आप में आए, क्योंकि ये स्टेजेस आप में है। आपने अगर अभी तक ग्रीफ की एनर्जी, मतलब दुख की एनर्जी में है, पकड़ के बैठे हैं, अपने लाइफ में जो भी तकलीफें हो रही हैं उनको ही पकड़ के बैठे हैं, तो बात अलग है। लेकिन जैसे ही वो स्टेज क्रॉस हो जाएगी, आप अपने आप को थोड़ा उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, तब जाके आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होगी। क्योंकि आप जिस तरह से चाहते हैं ना, यही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा हो, ऐसा जो चाह रहे हैं ना, वो यूनिवर्स नहीं चाहती है। और यूनिवर्स का कहना है कि आप बहुत बड़े पर्पस के लिए बने हो, एक छोटा ही सही, बट एक ना दुनिया के बारे में सोचने के लिए बने हो। आपका जो दुनिया को, दुनिया को, लोगों को, रिश्तों को देखने का नज़रिया है ना, वो बदलना होगा। आपको जो
मतलब बहुत ही ज़्यादा गिविंग या बहुत ही ज़्यादा विश्वास करना, ये जो एनर्जीज़ है, या बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में रहना हर चीज़ का, जैसे कि कोई भी आए आपको दुख दे के चला जाए, कोई भी आए आपको विश्वास तोड़ के चला जाए, ये एनर्जीज़ जो आपकी थी वो चेंज करने के लिए यूनिवर्स ने जैसे कुछ प्लान किया हो, आपको तकलीफ़ दी हो, लेकिन अभी उस तकलीफ़ से आपको बाहर निकलना है, आपको अपनी खुशी पर ध्यान देना है, आपकी एनलाइटमेंट मतलब स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान देना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी धर्म कल्चर कास्ट उनके बिलोंग हो और बस दिन रात पूजा पाठ में बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये होता है कि आपको अपने नॉर्मल लाइफ में ही, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे काम करने हैं जो आपकी आपकी और स्पेशली मतलब पहले तो आपको अपना अपना घड़ा भरना है, ये बात समझे कि आप अपने आप में इतनी मतलब स्ट्रांग बनेंगे, आप अपने इतने स्ट्रेंथ लाओगे, अपनी वेल्थ हेल्थ सब चीज़ पे ध्यान दोगे, तब जाके आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जीज के लिए बने हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, कुछ अच्छा काम, कुछ अच्छा चीज़, बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि जैसे ही आपकी ये जो नो निगेटिव एनर्जी ब्लॉक नो ये जो क्लियर हो जाएंगे ना, तो बस आप क्रिएशन के लिए बने, मतलब एक क्रिएटिव, हाईली क्रिएटिव मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो भी देखते हैं कि मेजरली आपका लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। द एम्प्रेस, द हर्मिट और बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ। द एम्प्रेस का कार्ड है मेजरली, जरा मुझे देखने दीजिए। द वर्ल्ड, जैसे फील हुआ था वैसे हुआ है। द हायरोफंट, द एम्परर, The Wheel of Fortune, The Fool। आप देख सकते हैं आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ और हर एक कार्ड ये डेक नॉर्मल भी है लेकिन फिर भी हर एक कार्ड जैसे मेजर अरकाना से ही निकल के आ रहा है। कितनी यूनिवर्स मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू यूनिवर्स कि आप देख सकते हैं हर एक कार्ड जैसे मेजर अरकाना से निकल के आ रहा है, जैसे कि आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ वैंड्स। और बटन में देखा है फाइव ऑफ सोर्ड्स भी। यहाँ पर अगर साइंस की बात करूँ तो द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून जब कार्ड आते हैं तो साइंस अभी कवर हो जाते हैं, तो इसलिए साइंस की बात, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो साइंस सभी है। लेकिन एनर्जीज़ की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनर्जीज और बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत टफ है, आपकी लाइफ में सब तकलीफें, दुख, दर्द सब ये मुझे ही, मेरे ही लिखे हैं। लव लाइफ की बात करें तो आपको लगता है कि भाई सामने वाले की ज़िंदगी में सब कुछ गलत करके भी खुशियाँ है और मैं रोती बैठने के लिए हूँ। ऐसा सब कुछ जो आपको फील होता है, इवन जॉब हो, प्रोफेशनल लाइफ है, सब जगह आपकी एक ही जैसे कि एक ही बात हो, ये एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है। तो पर्पस, सोल पर्पस बेसिकली आपका ये है कि मुझे जिस तरह से फील हो रहा है ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा देने के लिए बने हैं। देने के लिए इन द सेंस कि जिस तरह से आप अपने स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जॉब अभी तक के जो लाइफ में जो जैसे देते थे, जैसे झुकते थे, वैसी एनर्जीज नहीं है। देने के लिए मतलब इतना देने के लिए जैसे कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं, जो दान पुण्य कर्म वैसे टाइप की देने की एनर्जी, क्योंकि आपके लाइफ में लिखा है अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, मतलब आपके लाइफ में ना इतना कुछ पहले तो आपको कमाना है ताकि आप देने के काबिल बनो।
मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल हीलिंग की बात चल रही है, मुझे बहुत फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी लव लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, हमेशा ना बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, मतलब जैसे कि ग्राफ है ना ऐसा स्पाइक की तरह जाता है, ऐसे पंचे पंचे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा फील होता है। वैसे लोगों का ऐसा ठीक है ऐसे छोटा 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 ऐसा क्या नहीं, आपका तो ऐसा ना लिटरली बहुत बहुत ऐसा स्पाइक की तरह ग्राफ जाता है ना, एक चीज़ ख़त्म नहीं हुई तो दूसरी चालू, ऐसी ऐसी भी फीलिंग्स हो सकती है। और आप परेशान होकर रह गए कि यार कुछ तो अच्छा चले, लव लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ तो अच्छा चले। जब देखो तो कोई कुछ प्यार हो जाए तो भी दिल टूटता है, तो कभी जॉब अच्छा हो तो दिल टूटता है, या कहीं पे भी ऐसा कुछ हर चीज़ में जैसे आपको डिसअपॉइंट मिलती है एक वक्त के बाद। तो आपकी लाइफ का सोल का पर्पज़ ही है कि वो कर्मा क्लिनजिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो कार्मिक सिचुएशंस है, कार्मिक अकाउंट्स है, उनको क्लियर करने के लिए आप बने हों। उसमें जैसे ये लाइफ जितनी भी मिली है, जितने भी अकाउंट्स है, वो क्लियर करने के लिए मिले। ये जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, हर चीज़ का एक तो सिचुएशन वाइज या रिलेशन वाइज उनके साथ जो अकाउंट्स क्लियर होने थे वो क्लींस हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपके किसी दोस्त ने धोखा दिया है तो वो किसी जन्म का आपका अकाउंट था, उसका जो उसको उसको जो आपने उस जन्म में धोखा दिया था तो अभी उसका वो बदला ले चुका है, वो उसने जानबूझ के नहीं है, बस ये एक यूनिवर्स की तरफ से एक अकाउंट बैलेंस करने की एनर्जी कर्मा बैलेंस का एक बात था, वो हो चुका। अगर आपकी लव लाइफ में आपका कनेक्शन अगर सोल लेवल पे भी है लेकिन उनकी उनकी तरफ से जो आपका एक सिचुएशनली कर्मा बैलेंस था कि उनका धोखा देके इस रिलेशन से सेपरेट होना, वो एक हो सकता है कि एक टाइमिंग हो। ये सब चीज़ें भी कर्मा बैलेंसिंग का एक पार्ट था कि उनको वो जो सेपरेशन है तकलीफ देना भी एक यूनिवर्स का एक कर्मा बैलेंसिंग का पार्ट था। अगर ये सेपरेशंस नहीं होते तो आप ये इस लेवल तक आते ही नहीं, आप दुख दर्द तकलीफ को इस तरह समझते नहीं। सेपरेशन हो गया और बाद में एक वक्त के बाद सुलह होगी, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये हुआ क्यों है एक्चुअली। इसीलिए आपको बार 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 आइसोलेशन की एनर्जी, बार बार सेपरेशन की एनर्जी इसमें डाला जाता है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो, आपको अपने को समझने का टाइम मिले, आपको अपने को समझने का एक बार बार ट्रिगर किया जाता है और आपको वही सिखाया जाता है। आपकी जो एनर्जीज है ना, आपकी जो एनर्जीज है कि बेचैनी में नहीं, सोच समझ के पेशेंटली बहुत ही डीप डाउन करके अपने अंदर की आवाज़ सुन के जो डिसीजन लेने हैं, और वो वही सब चीज़ें दूसरों में भी लाने हैं, परसेप्शन चेंज होना है और करना है, इसी के लिए आप बने हों, ये मुझे फील हो रहा है। आप ना जिंदगी में ऐसा था कि एक मतलब ना एक नई शुरुआत से न्यू बिगिनिंग, रिस्क लेने से, कोई भी चीज़ से डरते थे, तो वो सब चीज़ से वो सब चीज़ को बाहर, मतलब आपके जो अंदर के डर है, आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको डर लगता है कि ये कैसा हो सकता है, तो वो जो एनर्जीज है वो बैलेंस करने के लिए, वो एनर्जीज बैलेंस करना, आपको रिस्क लेना सीखना है, आपको एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना है, आपको ये सारी चीज़ों में ही नहीं अटकना कि चलो धोखा दिया तकलीफ में गए, प्यार में दुख हुआ वो तकलीफ हुए, हर चीज़ में जो तकलीफ होती है ना लोगों से, फैमिली से, लव लाइफ से, स्पेशली लव लाइफ से, तो जो आपको तकलीफ होती है आप उसी को पकड़ के जो बैठ जाते हो, उस एनर्जीज को बाहर निकल के एक नई शुरुआत करने का आपका सोल पर्पज है। यही चीज़ आपका पैटर्न चलता आ रहा था, लेकिन अभी उस पैटर्न को आपको ब्रेक करना है। आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस के लिए बने हैं, जैसे कि एक तार जुड़ती है ऊपर वाले से, उस चीज़ के लिए बने हैं। आपको एनर्जीज बैलेंस करना है, आपको कर्मा बैलेंस करना है, आपकी निगेटिव एनर्जीज का क्लियरिंग करना है, आपको अपने जो भी, मतलब लिटरली मैं तो कहूँगी ना, आपके लाइफ में कोई भी आ रहा है धोखा दे रहा है, दोस्त हो, फैमिली में हो, तकलीफ दे रहा है, हर चीज़, लिटरली आप बोलिए कि थैंक्स, थैंक्स बोलिए और उस एनर्जी को माफ़ कर दीजिए। आप बिलीव नहीं कर पाओगे इतना चेंज होगा, क्योंकि यही चीज़ आपके सोल पर्पस को,
सोल पर्पस को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि आप सिर्फ ये रोने धोने के लिए या इसने धोखा दिया, ये हो रहा है मेरे साथ, ही क्यों हो रहा है, इस चीज़ के लिए नहीं बने। ये बात आप ज़रूर समझे, क्योंकि जिस तरह से कार्ड्स आए हैं तो आपको लिटरली आपकी कर्मा बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा बनाया गया है। आपकी जो एनर्जीज है ना, ओवर इमोशनल, कोई किसी को देख के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि ये मतलब ऐसे कि एनिमल्स हो या फिर गरीब बच्चे हो या कहीं पे से भी आपको जो तकलीफ होती है, अभी इस तकलीफ को ना सिर्फ दुख तक ही नहीं रखना है, उस चीज़ के लिए आपको कुछ करना है, उन बच्चों के लिए, उन एनिमल्स के लिए, हर चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए आपको ना ट्रिगर किया जा रहा है। उस बात को आप समझिए, आप अपने दुख में नहीं रहना है, अपनी पावर, क्योंकि जिस तरह से आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल भी बनना है। हो सकता है कि मतलब आप अभी शायद उस पोजीशन पे नहीं है जहाँ पे होना चाहिए, यू नो, फैमिली भी हो, अगर फीमेल्स भी हैं आपकी फैमिली में, आपकी एक रुतबे के लिए बने हैं, एक चीज़ के लिए बने हैं जहाँ पे एक समाज का, एक सोसाइटी का एक नज़रिया चेंज करना है टूवर्ड्स अ सिचुएशन की, मतलब फैमिली में फीमेल्स के साथ हो या सिचुएशन के साथ हो, बच्चों के साथ हो, कैसे बिहेव होना चाहिए, कैसे अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, हर चीज़ के लिए, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, तो वो भी एक है। आप ये मत समझिए कि भाई बड़ा पोजिशंस की बात कर रहे हैं तो वो ये सब के लिए है, तो क्या मतलब फैमिली में भी तो है, आपको ऐसे कुछ क्रिएट करना है, आप ऐसे कुछ बनना है कि आप मिसाल बन सको, कि ऐसी सिस्टम्स होनी चाहिए। पहले जो सिस्टम थी वो ठीक है, नहीं थी वो वर्किंग नहीं थी, लेकिन अभी जिस तरह से आपकी पोजीशंस है, लेकिन इवन पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है, प्रैक्टिकल, क्योंकि आपका सोल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ओवर इमोशनल है, ओवर इमोशनल। आपको क्यों मैं मतलब कुछ बोलूं, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी ना, ओवर इमोशनल होना। इमोशंस ज़रूरी होते हैं, लेकिन ओवर इमोशंस, कोई भी चीज़ का ओवर ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट वो बुरा है, नहीं होना चाहिए। तो वो आपको बैलेंस करना है, आपको थोड़ा बैलेंस, आपको थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी पोजीशंस के लिए और हर चीज़ के लिए बनना है, प्रैक्टिकल होना है, ऑर्गेनाइज होना है, डिसिप्लिन होना है आप, क्योंकि बड़े चीज़ों के लिए बने हो, प्रमोशंस, जॉब, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस है, जहाँ पे एक अहदा हो आपका, रिस्पेक्ट हो, इस चीज़ के लिए बने हैं। तो आपको ग्रोथ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी जो ना आपकी बेचैनी की एनर्जी, एक्साइटमेंट, या तो आप ओवर एक्साइटेड होते हैं या फिर एकदम ओवर निगेटिव होते हो, जो एनर्जी इतनी ना डिस्टर्ब होती है ना फटाफट, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करना, आपको काम एंड कंपोज ना, बहुत ज़्यादा पीसफुली सब चीज़ें हैंडल करने की आदत होनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, एंड अगेन देने के लिए बनी है, और सिर्फ देने के लिए, मतलब सिर्फ लव लाइफ में नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ मुझे सब फील हो रहा है समहाउ कि जैसे कुछ लोग, मतलब बच्चों को पढ़ाना हो या उन लोगों को हक देना जहाँ पे लोगों को हक नहीं मिला है, उस चीज़ के लिए खास करके बने हो। वो इश्यूज़ फीमेल इश्यूज़ हो सकते हैं कि जहाँ पे फीमेल्स को हक नहीं मिलता, तो गरीब बच्चों को हक नहीं मिलता, या किसी भी रिलेटेड, या कोई वर्कर्स होते हैं जिनको, जिनकी आवाज़ जैसे दब के रह जाती है, उनके लिए कुछ करना। तो हो सकता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन चालू करो या अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ करो कि उनको हक मिले, उनकी समझ हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इवन इन द फैमिली ऑल्सो। तो जो आसपास के लोगों को आपने जो मतलब ना अलाउ किया है आपको दुख देने के लिए, उसको आपको बंद करना है, ये आपका सोल पर्पस है। ये मतलब आपको आजू बाजू में जो हो रहा है, मतलब जो निगेटिव लोग है या उसको दुख देते हैं, हर एक आप वो एक समझिए ना कि थैंक यू बोलिए कि हर एक आ रहा है, अकाउंट क्लियर करके जा रहा है, जल्द से जल्द। तो थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, गया, एनर्जीज गया। तो यहाँ पे अगेन हर बात पे मुझे ये लिख रहा है कि आपकी जो ओवर इमोशंस और आपकी जो अपनी ही पावर को आपने जो दबा के रखा है, उसको आपको बैलेंस करना है, आपको पावर में आना है, लेकिन ईगो में नहीं,
आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में आना है, ये एक बात है। अभी देखते हैं कि सोल पर्पस की रीडिंग क्या आ रही है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मैन्युफैक्चरर, इंजीनियर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, जैसे मुझे फील हुआ था, जज और विजुअल आर्टिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो मुझे से अगेन वो ही फीलिंग आ रही है कि ये जो एनर्जीज है आपकी, मतलब सी हर एक कार्ड का दिखने का हर एक का अपना एक नज़र ही होता है, हर एक रीडर का और सब कुछ है, जो मुझे फील हो रहा है, मुझे फील हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे ना प्रोटेक्शन, मैंने बोले ना एक थीम है प्रोटेक्शन, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना और लोगों को प्रोटेक्ट करना, जैसे मैंने कहा ना बच्चों को, या फीमेल इश्यूज़ है, या कहीं पे भी कुछ ऐसा इश्यूज़ जहाँ पे ध्यान नहीं दिया हो, तो वो चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है। आपको ना रिएक्ट करना, रिएक्ट ये छोड़ना है, और आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना है, ये आपका सोल पर्पज़ है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड एंड टेक एक्शन व्हेन इमरजेंसी अराइज। तो एक ऐसा पर्सन जो देख रहा है, समझ रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो वो चीज़ को आपको समझना है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो उसको स्टॉप करना है, उसको बंद करना है, उसके लिए कुछ करना है। फिर भी मतलब आपकी फैमिली में भी कुछ हो, या जो दुनिया भर से प्रथा चलती आ रही है, सिस्टम चलती आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, इस चीज़ के लिए आप जैसे बने हो। और जहाँ तक मुझे जैसे आपका कनेक्शंस फील होते हैं, और जिस तरह से मैं आपको जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ना कि जैसे कुछ गलत, यू नो, जो गलत बर्दाश्त नहीं हुआ है, जो सिस्टम्स है, सोसाइटीज़ है, कि ये ऐसे ही होता है या ऐसे होना चाहिए, तो वो चीज़ को बदलने के लिए आप, खास करके आपका सोल पर्पस है। यहाँ पे अगेन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि कोई चीज़ को जोड़ जोड़ के बना रहे हो, वो चीज़ मुझे दिखती है। हो सकता है कि कुछ लोगों का प्रोफेशन मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है, या एक्चुअल में भी हो सकता है। इंजीनियर हो तो वो मतलब दिखाता है कि डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज सिस्टम्स। अभी इंजीनियर का मतलब एक्चुअली आपका प्रोफेशन भी है, या कुछ लोग इंजीनियर है हो सकते हैं, वो अपने करियर चूज कर सकते हैं, या सोल पर्पस है उनका, लेकिन एक्चुअली अगर लाइफ नॉर्मल लाइफ में भी सोचूं, तो भी इंजीनियर का मतलब है कि कैसे करना है, एक सिस्टम के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू कैसे करना है कोई भी चीज़ को, कोई भी चीज़ को, तो वो आपको, वो आपका पर्पस हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि जज, जस्टिस, बेसिकली अगेन बात कर्मा की ही आती है। आपको न्याय देना भी सीखना है, और न्याय लेना भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कुछ भी करता रहे, आपको वो चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए, उस चीज़ में न्याय कैसे मिले वो भी आपको देखना चाहिए। अभी एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपके लव लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक किया हुआ है, वो पर्सन आपको इग्नोर किया जा रहा है, गलत है, लेकिन इस उसके पीछे पड़ के आप उसको उसका जो न्याय मांग रहे हो वो गलत है। आपको इस कदर वो सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, आपको ऐसे कुछ सॉल्यूशन से इम्प्रूव करना है कि वो पर्सन आपसे आके वो जो न्याय है वो करके जाए, यूनिवर्स न्याय करे, आप अपने लिए न्याय मांगे, बट नॉट जस्ट किसी के सामने हाथ जोड़ के। ये चीज़ का आपको मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं मतलब बोल रही हूँ कि ये जस्टिस न्याय देना, किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है, या किसी के साथ गलत नहीं हो, और खुद के साथ गलत नहीं हो, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। आप वो चीज़ के लिए आपका सोल पर्पज़ है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में ना बेहद तरीके की हीलिंग कैपेसिटीज़ है। अभी हीलिंग कैपेसिटीज़ मतलब आप प्रोफेशनल टैरो रीडर, रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, ये वो सब ज़रूरी हो सकते हैं, होना चाहिए, जो अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करने से ही आपका होगा।
इवन नॉर्मल लाइफ में आप जनरली भी किसी से बात करते हैं तो आप अपनी हीलिंग एनर्जीज जब सेंड करते हैं तब भी लोगों को बहुत सुकून मिलता है और उससे काफ़ी मतलब आपके कर्मा क्लींजिंग होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होती है। आपको लिटरली जब भी बात करते हैं ना तभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद को भी वो चीज़ अप्लाई कर चुके हैं या हो चुकी है आपके साथ, बातों बातों में आपकी खुद की भी हीलिंग हो जाती है। ये बात की आप ज़रूर ध्यान दें, आपको पहले खुद को हील करना पड़ेगा, आपको पहले खुद को हील करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से एनर्जीज है ना आप देने के लिए बने हो, लेकिन देना कभी है जब आपके पास कुछ हो, आपने वो क्रिएट करना है, आपने वो क्रिएट करना है, आपके कर्मा बैलेंस करने हैं, आपके नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉक क्रिएट हटाने हैं, अपने आप सब कुछ चीज़ें होने वाली हैं। सिर्फ करना क्या है, आपको प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज बनना है, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने साथ गलत ना हो इसी बात का भी ध्यान देना है और अपनी हीलिंग हो उसी बात का भी ध्यान देना है, क्योंकि जब तक आपके खुद के जख्म नहीं भरते आप किसी और को क्या देंगे, ये वाली चीज़ है। तो ये सोल पर्पसेस मुझे कुछ हद तक निकल के आ रहा है। और यू नो यहाँ पे अगेन मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि खास करके मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके ना कुछ एडिक्शन इश्यूज़ हैं, कोर डिपेंडेंसी इश्यूज़ मुझे बहुत फील हो रहे हैं, जिससे आपको निकलना भी एक आपका सोल पर्पस है। जैसे कि आपके अगर मेल है तो चाहते तो है लेकिन आप एडिक्शन इश्यूज से निकल नहीं चाहते, पता है कि वो पर्सन अपने लिए नहीं बना तो भी आप उस इंसान पे कोर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं सॉरी तो वो एक चीज़ है जैसे आपका सोल पर्पस, वहाँ से निकलना है। आप बस बांध के रखे हो आप किसी चीज़ में, किसी सिचुएशंस पे, लाइक कोई जॉब है, बस आपको नहीं पता, आपको पता है कि अब वो चीज़ आपको सुकून नहीं दे रही, आपको खुशी नहीं दे रही, आपको जब सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही, फिर भी आप करे जा रहे बिकॉज आपको लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता और वो जो चीज़ है। लेकिन अगर आप कुछ बेहतरी के लिए ट्राई करते हैं तो हो सकता है, जो जस्ट बिकॉज मजबूरी है इसके लिए जो आप कर रहे हो वो चीज़ को भी आप समझिए कि क्या हो सकता है। तो आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, देखते हैं कि मूनोलॉजी गाइडेंस की तरफ से आपके लिए क्या निकल के आता है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे जैसा लगा ना कि प्रॉस्पेरिटी है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में समृद्धि है, खुशहाली है, सब कुछ है, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ, हेल्थ वेल्थ सब कुछ, बस आपने ही उस चीज़ को रोक के रखा है। और मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके हर चीज़ का जैसे सॉल्यूशन है ना, जैसे कि हर्मिट का कांड निकला, जब आप मेडिटेट करोगे, अकेले रहोगे आइसोलेशन की एनर्जीज में, मतलब उसके दुख दर्द के लिए अकेले नहीं रहना है, आपको अपने आप में समझने के लिए, मेडिटेशन के लिए, फॉरगिवनेस की एनर्जीज के लिए, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज के लिए, अंदर ही अंदर आप झांकेंगे, हर चीज़ जैसे अपने आप बाहर निकलेंगे, इतना ईजी है आपके लिए, बट आप बस उस एनर्जीज में नहीं जा रहे हैं। और यू आर रेडी, तो कुछ लोगों के लिए लिटरली है कि आप अपने सोल पर्पस के लिए रेडी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जज है, आप लॉ प्रोफेशंस में है या जाने के लिए, या कुछ चीज़ जैसे आपको आपके फैमिली में हो या कहीं रिस्पॉन्ड करने के लिए जो ज़रूरी है तो वो एक दिख रहा है, और यू नो स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और आंसर इज यस, तो जो भी आपका क्वेश्चन था एक्चुअली उसका आंसर यस है लिटरली, और मुझे भी लगता है कि यस है। और मतलब आप बहुत, मतलब मुझे समझो ऐसा फील हो रहा है कि आप एक थोड़ा एक डिफरेंट डिवाइन सोल जैसा फील हो रहा है, जहाँ पे बहुत मतलब ना एक हायर पर्पज़ है लाइफ का। तो आई होप आपको रीडिंग में कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।